अऊज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गिलानी फॉर्म यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान शबीर गिलानी। आप सब की खिदमत में मेरा महबतों बरा सलाम कबूल हो। जैसा कि आप सबको इल्म है कि रमज़ान मुबारक की मुकद्दस सातें शुरू हो चुकी हैं, दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुकद्दस महीने में हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, उन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो कुरान पाक और सुन्नत रसूल से साबित हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का एहतमाम हम सबको करना चाहिए। सामीन इकराम, जैसा कि आप सबको इल्म है कि रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है, और इस महीने में कोई भी नेक काम करने का अल्लाह ताला हमें कई गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। कहा जाता है कि इस मुकद्दस महीने में हम नवाफल अगर अदा करेंगे तो उसका सवाब फ़राइज़ के बराबर होगा, और अगर फ़र्ज़ अदा करेंगे तो उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब हमें मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें फ़राइज़ के साथ साथ नवाफल यानी नफली इबादात का भी अहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम हमारा दीन है, और कुरान अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब है जो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजर की गई। इस मुकद्दस महीने में मामूल के मुताबिक बाकी महीनों से ज़्यादा सवाब मिलता है। कुरान तलावत कलाम पाक का भी कई गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, और यह महीना हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि जब हम भूखे और प्यास और भूख की हालत में होते हैं तो हमें उन लोगों का भी एहसास करना चाहिए जो भूखे और प्यासे होते हैं, और हमें यह एहसास और महसूस करना चाहिए कि अगर हमें भूख और प्यास में इतनी तकलीफ़ हो रही है तो वो लोग जो गुरबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन पर क्या बीत रही होगी। तो ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से इंतहाई अफरा तफरी का शिकार है, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। लॉकडाउन की वजह से तमाम लोग अपने अपने घरों में मैसूर हैं, और कई दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ से गरीब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो किसी मेन सिटी तक पहुँच सकें और अपनी ज़रूरत की अशिया जो हैं, ख्वा खुराक हो, अद्वियात हों, या अपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं वो ले सकें। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस मुकद्दस महीने में जहाँ पे हम दीगर नफली इबादत कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उन लोगों का ख्याल रखें कि जो इस वक्त इस वबा की वजह से परेशान है और किसी भी जगह उनकी कोई अप्रोच नहीं है। तो ये इंतहाई हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन लोगों का ख्याल रखें, अपनी ज़रूरियात को कम करके। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि इस महीने में और ऐसी सूरत हाल में जहाँ अगर हम अपनी ज़रूरियात 1000 रुपये हमारी ज़रूरत होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 1000 की जगह 500 खर्च करें। जहाँ हम आम हालत में 100 रुपया खर्च करते हैं, वहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 50 रुपया खर्च करें, और वो 50 रुपया जो है अपने उन गरीबों, मस्कीनों और बेचारे लोगों और जो लाचार और मजबूर हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो रमज़ान मुबारक के मुकद्दस महीने में अपनी सैरी भी कर सकें और इफ्तारी भी कर सकें और उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। इस मौका पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको इल्म है कि हुकूमत और फलाही इदारे अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे इलाके हैं जिनमें ना हुकूमत की अप्रोच है और ना ही किसी फलाही इदारे की अप्रोच है, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इज़्ज़त नफ्स की वजह से अपने घरों से किसी के आगे हाथ फैलाने की कोशिश भी नहीं करते। क्योंकि लॉकडाउन को और इस सिस्टम को चलते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं कि एक अफरा तफरी का आलम है, और जो सिस्टम है वो अपनी जगह से बिल्कुल डिस्टर्ब है, हर किस्म का बंदा डिस्टर्ब है। आप सबको इल्म है कि दुनिया भर में फैक्ट्रियाँ, मिलें, या जितने भी प्राइवेट अदारे हैं, होटल हैं, या कमाई के जितने भी मराकज़ थे वो बंद हो चुके हैं, और वो सब जितने भी मजदूर हैं या दिहाड़ीदार जो तबका है वो अपने अपने घरों पे, और उनकी कोई इनकम नहीं है। और आप सबको इल्म है कि हमारे मुल्क में जो दिहाड़ीदार तबका था वो सिर्फ इतना ही करता था कि वो दिन को कमाता था और रात को अपने बच्चों का पेट पालता था। उनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी इस वक्त तक, ना ही माकूल अंदाजे के मुताबिक, ना ही किसी ने माकूल तौर पे किसी ज़रूरतमंद की उस हिसाब से खिदमत की है। हाँ, ऐसी जगह जिन पे कि हुकूमत की या फलाही अदारों की अप्रोच थी, या वो लोग जो ऐसे इलाकों में करीब करीब रहते थे उन तक तो पहुँचे हैं, लेकिन बेशुमार दूर दराज इलाके जहाँ पे सड़क की सहूलत नहीं है
या कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ पे लोग इंतहाई मजबूर हैं। तो मेरी बात लंबी हो रही है, शायद आप फेड अप ना हो जाए, मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कोशिश की जाए अपने तौर पे उन इलाकों में पहुँचा जाए जहाँ पे ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, ना इंटरनेट है, ना टीवी के एंकर पहुँच सकते हैं। उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश की जाए। और आप सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा, जो जो मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि कोशिश की जाए कि जो अदारे हैं, जो जानने वाले लोग हैं, जो खिदमत करना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, उन लोगों को गाइड किया जाए कि दूर दराज इलाकों में वो पहुँचें, ताकि हमारे जो भाई इंतहाई नेक लोग हैं, मुसीबत के इस आलम में हैं, जिन तक कोई भी नहीं पहुँचा, मैं फिर वही बार बार कह रहा हूँ, उन तक पहुँचा जाए, और ताकि हम उनकी मुश्किलात आसान कर सकें। और रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हम सबको अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि परवरदिगार आलम आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया को इस मर्ज़ से निजात अता फरमाए, ताकि हमारी ज़िंदगी का ये पहिया मामूल के साथ, जिस तरह जनवरी और फरवरी या दिसंबर में चल रहा था, उस तरह ये चलता रहे। मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ, आखिर में फिर यही गुजारिश करूँगा, दुआ करें, आगे बढ़ें, इंसानियत की खिदमत करें और एक दूसरे के काम आए। खुदा हाफिज़।